कोरोना से पहले और कोरोना वायरस के बाद जहां बलूचिस्तान में अखबारात को धचका लगा है, वहां अखबार की सनद की तरसील का जरिया बनने वाले हॉकर भी मुश्किलात का शिकार हैं। डेरा अलायार के अखबार हॉकर गर्मी, सर्दी, बारिश और तूफान में घर घर गली गली अखबार पहुंचाने में मसरूफ रहते थे। गर्मी हो या धूप, धूल उड़ाती सड़क के किनारे अखबार फरोख्त करने में मसरूफ रहते थे। कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा के दिनों में भी अपने फर्ज और दुनिया जहां को नई ताज़ी खबरों की तरसील अखबारात के जरिए पहुंचाने से कभी नहीं घबराए। लेकिन कोरोना के दिनों में जब सब कुछ लॉकडाउन हो गया तो अखबार की तरसील भी बंद हो गई। इन दिनों में डेरा अलायार के हॉकर भी शदीद मुतासर होकर रह गए। बहुत से हॉकर तो बहुत ज्यादा कर्ज के नीचे भी आ गए। तो असि गुजारिश है सर्दी के गर्मी के अस मेहनत कह पीना अखबार फ्रोश अखबार हल्दा तो असि कमीशन में इजाफो ना बचत ही ना घर जो गुजारो कि हाँ लॉकडाउन लगी वो लॉकडाउन में इन टाइम ती असर अखरन के ना राशन मिलो ना जो कुछ भी इमदादी हुकूमत भी असा इमदाद न कई ना कें नुमाइंदे भी कई ना कें पुछा भी पे हालत है। गर्मी सर्दी रोड से बीठा हूँ अखबार ढींदा एक एक गाड़ी के कट पाता हूँ कंखे भी यो ना कि हाल तीन आकरन को पुछा क्यों तक तकलीफ चाहे। इन टाइम भी डीसी वट राशन आयो भी अस बिल्कुल राशन न मिलो टे महीना अस सिर्फ घर में वेठा थे तो अस भी यो न पुछा कि तुम राशन है ना कारोबार करो तो ना करो न चलता है यार रोजी भी न करता है क्यों करता है अखबार भी न चलता है दिन गर्मी में धूप में खड़ा है अखबार भी न चलता है सारा बच गया। कैमरामैन टीम के साथ इनायतुल्लाह हुर, ऑनलाइन इंडस्ट्री टीवी, जाफराबाद।